हेमंत है और मैं एक हेयर एक्सपर्ट हूँ वाइमी में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फ्री हैंड पेंटिंग टेक्निक और एक कलर ट्रांसफॉर्मेशन। तो कैसे करना है आइए। तो सबसे पहले आप अच्छे से फोर सेक्शन निकाल लीजिए। फोर सेक्शन इसलिए ताकि आपको नीटनेस पता चल जाए और सेक्शनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे ही आपकी फोर सेक्शनिंग हो जाएगी उसके बाद ही आप आके प्रोसीड करेंगे। अब सेक्शनिंग के बाद हम लोग पीछे यानी कि बैक साइड नेप एरिया से शुरुआत करेंगे और हमें अच्छे से उसको नीट रखना है। हमने हल्का सा डायगोनल रखा है सेक्शन को, बिल्कुल हल्का, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद उसको हमने फ्री हैंड पेंटिंग की तरह वी बनाया है। देखो, फ्री हैंड पेंटिंग का मतलब होता है कि आपका जो हैंड है वो फ्रीली चलता रहे और हम लोग उसको फ्रीली ही चला रहे हैं। साथ ही साथ अब अगर आप देख रहे होंगे तो मैं कितने अच्छे से वी बना रहा हूँ। वी का मीन्स ये होता है कि जब उसका ना हम लोग डायमेंशन देखेंगे या फिर उसकी ब्लेंडिंग देखेंगे तो बहुत प्यारी ब्लेंडिंग आएगी, क्योंकि जिस जगह पर प्री लाइटिंग लगा होगा उस जगह पे उसका रिफ्लेक्शन ज्यादा आएगा, जिस जगह पे प्रीलाइटिंग नहीं होगा उस जगह पे उसका रिफ्लेक्शन, कलर का रिफ्लेक्शन कम आएगा। जैसे जैसे आप ये करते रहेंगे ऐसे ऐसे आप फिर बाकी के सेक्शंस को भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा डायगोनल ही लेके चलना है। देखो, हमने सेकंड सेक्शन भी लिया तो डायगोनल ही लिया, और ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा सेक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप पीछे फोर सेक्शन या थ्री सेक्शन में भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरी क्लाइंट की डेंसिटी थोड़ी हैवी थी और बाल थोड़े लंबे थे, तो हम लोगों ने फोर सेक्शन में करा, यानी कि एट सेक्शन में हमने पूरे बालों में प्री लाइटिंग कर दी थी, फ्री हैंड पेंटिंग कर दी थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें वी क्रिएट कर रहे हैं ताकि वो ब्लेंडिंग बहुत प्यारी है। फ्री हैंड पेंटिंग बालियाज की जो टेक्निक है वो हम अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आप भी ऐसे ही फॉलो करेंगे तभी वो ब्लेंडिंग, तभी वो फ्री हैंड पेंटिंग और अच्छी रिजल्ट देगी। हम लोग बाकी सेक्शंस के ऊपर क्या कर रहे हैं, अलग अलग सेक्शनिंग के साथ में हम वी बना रहे हैं, लेकिन जैसे हम क्राउन में आ रहे हैं तो क्राउन में हमने दोनों सेक्शंस को मर्ज कर दिया और ऊपर के साइड में सिर्फ एक ही बारी में वी बना रहे हैं, ब्लेंडिंग वी बना रहे हैं, ताकि उसको हम फ्री हैंड से अच्छे से ब्लेंड कर पाएँ और उसका रिजल्ट बहुत ही प्यारा और मेल्टिंग आए। जैसे ही आपका बैक साइड हो जाए, क्राउन से एरिया हो जाए, उसके बाद आप साइड में यानी कि फ्रंट सेक्शन में आ जाएंगे, और फ्रंट सेक्शन में आपको फुल वी नहीं बनाना है, आपको बैकवर्ड हाफ वी बनाना है ताकि उसकी ब्लेंडिंग पीछे के आपके सेक्शन के साथ ईजिली मर्ज हो जाए। तो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग हाफ वी बना रहे हैं, हाफ वी की ब्लेंडिंग पीछे के साथ हमें मर्ज करनी है। इसके बाद जैसे ही आप अंडरकोट अपना अचीव कर लेंगे तो आप उसको शैम्पू कर देंगे। शैम्पू से आपको अच्छे से प्रीलाइटनर को रिंस कर देना, यानी कि आपके बालों में प्रीलाइटनर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि वो आपके बालों में अगर रह गया तो वो चीज़ सही नहीं रहेगी, प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अच्छे से रिंस कर देंगे। और रिंस करने के बाद अब आ जाती है बारी कलर डिपॉजिशन की। कलर को आपको अच्छे से डिपॉजिट करना है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने मैजी लिफ्ट का 13 नंबर लिया है ताकि मैं आपको एक ही शेड से दो रिफ्लेक्शन दे सकूं, जो बहुत ज़्यादा लाउड भी दिखे और बहुत ज़्यादा सटल भी दिखे। हालांकि आप इसको अगर वर्जन हेयर पे डायरेक्ट भी अप्लाई करते हो तो भी ये रिजल्ट देता है, लेकिन प्री लाइटनिंग हेयर में इसकी विजिबिलिटी अलग दिखेगी और डायरेक्ट हेयर पर इसकी विजिबिलिटी अलग दिखेगी। कलर की मिक्सिंग रेशियो हमने 1:1.5 रखी है, जैसे कि मैजी लिफ्ट की होती है। अब हमने इसको क्रीमी टेक्सचर में बना रखा है तो हम इजीली उसको स्प्रेड करा रखें, और हमने इसको गीले बालों में अप्लाई करा है, यानी कि हमने सिर्फ टॉवल ड्राई हेयर पे ही इसको अप्लाई करा है। और जैसे ही हमारी एप्लीकेशन हो रही है हम अच्छे से इसको प्रॉपर पूरे बालों में लगा रहे हैं, पूरे बालों में अप्लाई कर रहे हैं। अब एप्लीकेशन होने के बाद हम अब 20 मिनट तक रुकेंगे, और जैसे ही हमारे 20 मिनट हो जाएंगे इसके बाद हम लोग शैम्पू कर देंगे। जैसे ही हमारा पूरा एप्लीकेशन हो जाएगा शैम्पू कर देंगे। शैम्पू के बाद हम लोगों को कंडीशनिंग करनी है। कंडीशनिंग के बाद उसको रख के रिंस करके आप अपने क्लाइंट के ऊपर उनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं ताकि आपका कलर का रिजल्ट और अच्छे से उभर के सामने आए और विजिबिलिटी दिखे। तो फाइनली अब हमारा कलर
हो चुका है और ये हमारा कलर का रिजल्ट है। देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्लेंडिंग आई है, क्या रिजल्ट आया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और ऐसी और वीडियोस के लिए जानकारी के लिए हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब।